राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों बड़वानी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हाल जाना। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही परिजनों का हाल भी जाना। इस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, जो कि प्रशासकीय ड्यूटी पर रहते हुए जो कि कोरोना से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु होती है, तो 50 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी। सारे अधिकारियों की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बाला बच्चन जी चूंकि गृह मंत्री रह चुके, उन्होंने बताया 152 पुलिस कर्मियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें से केवल 7 लोगों को 50 लाख की राशि दी गई है और अनुकंपा नियुक्ति मिली है, बाकी लोगों का केस अभी तक प्रकरण। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बड़वानी कलेक्टर पर भी निशाना साधा और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया। ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट में है, सारे विधायकों को उसमें रखे जाने का ऑर्डर है, लेकिन आपका जो जिला कलेक्टर है, भाई हमने तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं देखा जो इतनी बदतमीजी के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बर्ताव करता। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब बाला बच्चन जी ने मुझे बताया कि उनको उसमें नामांतरित भी नहीं किया गया, और जब वहां पर गए वो तो उनसे कहता कि तुझे कौन ने बुलाया, तू होता कौन है, मैं यहाँ का मंत्री हूँ। कलेक्टर मंत्री को ना कह रहा, और मंत्री सुन रहा है कुर्सी पर बैठकर, ये शर्म की बात है। माननीय कलेक्टर साहब, ये बदतमीजी हम सहन नहीं कर सकते। आप प्रजा लोकतंत्र में जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनकी जो शिकायतें आ रही हैं, वो आदमी अपने आप को समझता क्या है? निश्चित लाएंगे और विधानसभा में खड़ा करेंगे इस व्यक्ति को। शहर शिवराज सिंह की शहर, कारण ये कि यहाँ पे भाषण में कह गया कि तू भी शिवराज, मैं भी शिवराज, हम दोनों विकास करेंगे बड़वानी का, बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक और सांसद का घास छीलेंगे। इस दौरान बड़वानी पहुंचने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बड़वानी।